लॉकडाउन में सारे प्रोविंस में या पूरे प्रोविंस में? हाँ पूरे प्रोविंस में। अच्छा तो बाकी राइट नहीं है सर? हाँ भाई 54 स्टोर्स लगते हैं तुम लोगों को हैं? रेट का कुछ चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तकरीबन 1,60,000 इस मीज़ान में सब्सिडी सिर्फ बलूचिस्तान को या पूरे पाकिस्तान? बलूचिस्तान को सर। कितना सर? 1,60,000। आपको वहाँ से ये सस्ता लग रहा है या वहाँ के स्टोर आपको सस्ते लग रहे हैं बाहर वाले? नहीं कुछ चीज़ें यहाँ पर सस्ती है, सिर्फ कुछ चीज़ पे जोर देते कि यूटिलिटी मोबाइल जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं वो अक्सर मतलब 5 या 10 दिन। सर वो सिर्फ कोटा के लिए मोबाइल पर नीचे क्वालिटी 100% स्कीम है 50 रुपए की होगी नीचे कोड ये इसकी प्राइस टैग ये मार्केट से सस्ता है चावल ऐसा सर सुन रहे हैं मीडिया की तरह भाई 139 ये सर स्पेशली ये है डायला कंपनी का ग्रीन हमारे पास 280। तो आपने कहा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा चीज़ों पर सब्सिडी दी गई गरीब आवाम के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए इस दफ़ा अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है और पहले भी हमें इसके बारे में इल्म था और हम कोशिश करते रहे ख़ास तौर पर रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी आवाम को मिलनी चाहिए क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने का एक वाहिद ही तरीका है कि गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे और पहली दफ़ा हिस्ट्री में पाकिस्तान के 8 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी दी गई है कि जो बेसिक आइटम्स हैं वो जो गरीब के इस्तेमाल के लिए हैं वो उन तक पहुंचाए जाएं सस्ते रेटों में मार्केट से कम रेटों पे। तो अभी जो मुझे उन्होंने ब्रीफिंग दी है आई होप जो वो उन्होंने मुझे कुछ बताया है वो सही हो तो मैं समझता हूँ कि ये एक फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छी कोशिश है, इसको कंटिन्यू रहनी चाहिए ये यूटिलिटी स्टोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो जो मिडल मैन है जो बीच वाला आदमी है और ख़ास तौर पर रमज़ान में ये बाबरकत महीना है इसमें लोगों को तो ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस रमज़ान को महंगाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचने देते, फिर उसको ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि यूटिलिटी स्टोर रात दिन लोगों की खिदमत करेगी और कम से कम पैसों में लोगों को ये सहूलतें पहुंचाएगी। सर यहाँ से जो डिमांड हमारी यूटिलिटी स्टोर्स बलूचिस्तान के देते हैं तो विफाक की तरफ से बहुत या तो लेट आता है वो डिमांड या तो फिर उस पर नज़रसानी नहीं की जाती, आप क्या कहेंगे कि मरकज़? मैं समझूंगा कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि बिफोर टाइम हर चीज़ आपको अवेलेबल है और 80% वो बता रहे हैं कि स्टॉक पहुंच चुके हैं। अभी तक रमज़ान में काफ़ी दिन है, ये मेरे ख्याल में यूटिलिटी स्टोर वाले काबिले मुबारक हैं, उन्होंने इतनी इस दफ़ा एफिशिएंसी दिखाई है और ये इनको हर दफ़ा करना चाहिए। स्कूल्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कल पेपर जो है वो बहुत सारे अजला में मुलतवी हो गया है सिर्फ इस हड़ताल की वजह से, अब तो रेगुलर शुरू हो गए लेकिन इस जो मुलतवी शुदा पेपर है इसके बारे में क्या कंसर्न होगा और अगर स्कूल दोबारा बंदिश की तरफ जाते हैं तो क्या ऑनलाइन क्लासेस सरकारी स्कूलों में भी शुरू की जाती है? देखिए ऑनलाइन बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, क्वेटा शहर को छोड़ के चंद एक दो जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनको छोड़ के ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ बहुत कम है और हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की जो कंपनीज़ हैं मोबाइल कंपनीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे एक मोनोपोली की हुई है और यहाँ पे लोगों को जो अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करती है जैसे अब हमारे इलाके में यूफोन के टावर्स लग रहे हैं मगर फोन वालों ने
किया हुआ है कि हर आदमी जब तक रिश्वत ना, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने उनको सब्सिडी दी हुई थी, उनके साथ उनको फाइनेंस किया हुआ था। अब शोरान शहर में टावर लगा हुआ है, मुझे मैं अपना पहले आपको एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे शहर में टावर लगा हुआ है मगर उसके बावजूद लोकल कॉल भी हम रिसीव नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस्लामाबाद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से और मिनिस्टर कम्युनिकेशन से आईटी वालों से मैं कहूँगा कि वो इसको देखें, और जिस तरह के इन्होंने उनको वो पैसे देते हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरह की फैसिलिटीज़ दें। तो हमें ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस देने में बड़ी खुशी होती, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, ये तीसरी लहर जो आई हुई है, इसको रोकने के लिए एक वायद यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात वो करें, और वो बच्चों की तब हो सकती थी कि हम उनको उनको घरों में तालीम दें। अच्छा, आपने अभी एक सवाल किया कि एक पेपर नहीं हो सका, वाकई कल कुछ जगहों पे, ये नहीं कि पूरे बलूचिस्तान में, कुछ जगहों पे नहीं हुआ है। हम गारंटी देते हैं कि इंशाल्लाह वो पेपर एंड में हम उनको वो पेपर भी ले लेंगे, वो पेपर उनका मिस नहीं होगा। मगर कल मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन वाले आए थे और मेरे से कमिटमेंट करके गए कि इंशाल्लाह अब वो रेगुलरली वो जो पेपर होंगे वो उनके ज़रूर लेंगे, और मुझे यकीन है कि अपने देखें, मजरत से इस तरह के इस जैसी आप जवाब दे दें या मैं जवाब दूं? देखें, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अगर अपने को जर्नलिस्ट कहते हैं तो इस किस्म का आपको सवाल नहीं करना चाहिए था। अगर सवाल होता तो आप मुझे प्रूफ देते, मैं इनके खिलाफ़ आज ही लिखता और मैं कहता कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप मीडिया हैं, अब तो कैमरा आ गया है, अब तो मोबाइल का कैमरा आ गया है, आप प्रूफ ले आएँ, हम इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इंशाल्लाह कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि पूरे बलूचिस्तान में नहीं है, यस, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, और हम यही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बलूचिस्तान के और रिमोट एरियाज़ में भी ये फैसिलिटी जो नहीं है, मैं इनके फेडरल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनके साथ हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हम इनको सस्ते स्टोर्स देने के लिए तैयार हैं, पब्लिक का तावन दिलाने के लिए, खुद तावन करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त कितने आपके सर? 225 स्टोर, 225 स्टोर ये कह रहे हैं कि हमारे हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान के जितना एरिया है उसमें ये बहुत कम है, इनको तादाद बढ़ानी चाहिए। सर, कल आपकी जान साहब से भी मुलाकात हुई, बेरोजगारी भी इस सूबे का एक बहुत बड़ा अहम मसला है, क्या समझते हैं कि मजीद आपके महकमे में या कोई और वैकेंसी बेरोजगार नौजवानों के लिए भी? इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सुनेंगे, हमने तकरीबन कोई 4,500 के करीब तो जॉब्स दे चुके हैं, इंशाल्लाह फर्दर हम देंगे। और ये भी आपको मैं खुशखबरी सुना दूं, कल जो काबीना की कमेटी थी उसमें मुत्तफिका तौर पे ये फैसला हुआ है, वो 1490 के करीब शायद जीपी के कितने मुलाजिम हैं, 1493 जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको हम परमानेंट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसके लिए कोई टेक्निकल कानूनी थोड़ी सी मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह हम असम्बली में उसको लेके जाएंगे और एक कानून साजी करके उनको यकीन दिलाते हैं कि उनकी भी जो ये 1400 बेरोज़गार लोग थे जीपी के, इनको हम परमानेंट करने जा रहे हैं। और इसी तरह हम मिलके वर्ल्ड बैंक के साथ एक और प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं, उसमें भी हज़ारों बच्चों को हम नौकरियाँ देंगे। ये बलूचिस्तान के बेरोज़गारों के लिए खुशखबरी है। थैंक यू।